बोकारो विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा नहीं होने से कांग्रेसियों में हलचल पैदा हो गई है। प्रदेश के दो महासचिव और जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के नाम से पर्चा खरीदकर आलाकमान से सिग्नल मिलने की बात कह दी है। इससे अब कांग्रेसियों में उहापोह की स्थिति बन गई है। जिस प्रकार से बोकारो जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रफीक अंसारी, प्रदेश महासचिव जवाहरलाल महता और प्रदेश महासचिव श्वेता सिंह ने नामांकन पर्चा खरीदा है, उसके बाद राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। 29 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में बोकारो विधानसभा के लिए सस्पेंस कुछ और ही संकेत दे रहा है, क्योंकि जिले से 26 लोगों ने उम्मीदवार बनने का आवेदन दिया था। ऐसा है कि देखिए, जब तक घोषणा नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर मुझे कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है, इसके बावजूद ही हम आज पेपर खरीदने गए हैं। पार्टी का जो आदेश होगा वो आदेश पूरी तरह से हम मानने के लिए तैयार हैं। लगता है कि ये कोटा निश्चित तौर पर हम लोगों को मिलना चाहिए। पॉजिटिव है तब ना हमने नए पेपर खरीदने गए हैं। ऐसा है कि देखिए, जब तक घोषणा नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर मुझे कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है, इसके बावजूद ही हम आज पेपर खरीदने गए हैं। पार्टी का जो आदेश होगा वो आदेश पूरी तरह से हम मानने के लिए तैयार हैं। लगता है कि ये कोटा निश्चित तौर पर हम लोगों को मिलना चाहिए। पॉजिटिव है तब ना हमने नए पेपर खरीदने गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।